कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जमशेदपुर के पूर्व सांसद अजय कुमार रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में डॉक्टर अजय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार का मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं है। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बिना सबूत के हेमंत सोरेन को 5 महीनों तक जेल में रखा गया है। पानी का समस्या, नाली का समस्या, पढ़ाई की समस्या, बेरोजगारी को ध्यान भटकाने के लिए, और अब जो है 10 साल के इनके कुकर्म के जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली में मंत्री के घर के अंदर जो है 2 फीट पानी आ गया। ये है मोदी जी का नया भारत, बेरोजगारी, नीट का परीक्षा के बारे में। तो इसलिए 15 दिन में जो आप देख सकते हैं वो अगले 5 साल का कितना बचेगा कि नहीं बचेगा वो तो देखते हैं। देखिए, जो हमारा जो एनालिसिस है कि झारखंड में जो है सरकार इस पिछले बार से ज्यादा नंबर में आ जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है, नहीं तो शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा सरमा नहीं पहुंचे। जनरल पद जैसे हमारे जमशेदपुर शहर में इतने अभिभावक हैं जो नीट की परीक्षा दिए। इस देश में आप और हम जैसे लोग जो मध्य वर्ग से आते हैं या गरीब परिवार से आते हैं, हमारे जीव बिरसा चौक के डीपी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूट और संचालक पर गोली चलाने के विरोध में रांची शहर की जो है दुकानें आज बंद रहेंगी। दरअसल रांची में एक बार फिर अपराधी मस्त हैं और पुलिस पस्त नजर आ रही है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक के पास स्थित डीपी ज्वेलर्स में अपराधियों ने करीब 1.5 करोड़ की लूट की घटना को अंजाम दिया है। ज्वेलर दुकान के मालिक ओम वर्मा को लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मार दी। ओम वर्मा का इलाज रांची के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन यह पहली घटना नहीं है। हाल में रांची में जेवर दुकान अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं। 15 फरवरी को कटल मोड़ रोड पे गोल्ड प्लाजा नामक दुकान में लूट हुई थी। 4 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली है और इसी महीने 13 जून को पांडरा ओपी क्षेत्र में बजरा में जेवर दुकान में भी लूट हुई, लेकिन पुलिस एक भी अपराधी को पकड़ नहीं पाई है। 15 जून को बरियातू में जेवर व्यवसायी महिला से अपराधियों ने 5 लाख नकद लूट लिए, वही 12 से 13 लाख के जेवर भी ले लिए। पुलिस यहां भी अब तक नाकाम है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।